बहुत अच्छी दिक्कत हो गई यार यहाँ पे बॉर्डर में, कहते हैं कि इथियोपिया का बॉर्डर बंद है। पता नहीं यार, लोकल्स तो जा रहे हैं यार, लोकल्स को जाने दे रहे हैं। अनदर रीज़न मेरे को सबसे ज़्यादा खनक रही थी बात, वो ये कि वो इथियोपिया किस तरफ जाके मुझे वो जेल में क्यों रखने वाले हैं, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो क्या चक्कर क्या है। उन्होंने मेरे को ये भी बताया कि मैं ये बॉर्डर क्रॉस कर सकता हूँ इलीगल वे में। हाँ, इलीगल वे से मैं बॉर्डर क्रॉस कर सकता हूँ। Yeah, is it there? Yeah. Wait, this one? Wait 1 minute. Okay, can you just put my bag? Okay. Kadri, sir. Welcome to my channel, everyone. My name is Vishnu, और आप लोग देख रहे हो मेरा channel Wandering Maniac. अभी फिलहाल हूँ मैं वाजले में, जो हरगेसा से अराउंड 150 किलोमीटर है, और ये वजले जो है वो इथियोपिया का बॉर्डर है। तो जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं यहाँ से इथियोपिया जा रहा हूँ, ये शायद यहाँ से मैं इमिग्रेशन की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे एक लोकल मिले मेरे को, मेरे ही शेड जो कैब है, शेड टैक्सी टाइप, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में कहा था, सहार ट्रैवल्स का जो होता है। तो ये देखो भाई, यहाँ का बॉर्डर का सीन, where you are going in Ethiopia? No? All right. You are not going to Ethiopia? Yes, I'm going to Ethiopia. Ethiopia, Addis Ababa? No. Then? Jijiga. Ah, you and I am going to Jijiga. Going to Jijiga, right? Yeah. But you have to go in Greece. Yeah, all right. बढ़िया यार, यहाँ से मेरे को प्लान था कि मैं जिजिगा जाऊँ पहला। जिजिगा बॉर्डर से कुछ अराउंड 60-70 किलोमीटर है। सोच रहा था कि आज का रात वहीं पे बिता के उसके बाद फिर आगे हरार की तरफ निकलूँ। तो ये है यहाँ का इमिग्रेशन। इसके पहले जब जिबूती से सोमाली लैंड क्रॉस कर रहा था, वो टाइम पर दिखा नहीं पाया आपको ज़्यादा कुछ। बहुत अच्छी दिक्कत हो गई यार यहाँ पे बॉर्डर में, कहते हैं कि इथियोपिया का बॉर्डर बंद है। पता नहीं यार, लोकल्स तो जा रहे हैं यार, लोकल्स को जाने दे रहे हैं, टूरिस्ट को पता नहीं क्यों जाने नहीं दे रहे। मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करा उनको कि यार छोड़ दे मेरे को, बट वो कहते हैं कि यहाँ से बॉर्डर से जा नहीं सकते, मैं एग्ज़िट स्टैम्प दे दूँगा तो वहाँ पर शायद आपको जेल में रख लेंगे, ऐसा करके कुछ बता रहे हैं। मेरे को एग्जैक्टली समझ तो आया नहीं। फिर बाद में मैंने रिक्वेस्ट करने की कोशिश करी तो वो हाइपर हो जा रहे थे, पता नहीं क्या रीज़न था यार। मैं शायद उनको समझा नहीं पा रहा था या फिर वो मेरी बात समझ नहीं पा रहे थे। अभी कहते हैं यहाँ से वापस हरगेसा जाओ, हरगेसा से फ्लाई करके एड्रेस वापस जाओ। पता नहीं यार क्या चक्कर है। Yeah, but now I go to the border. They say that I cannot cross the border. The border is closed. I have a valid visa. I have my passport. Can you tell me the reason why it's like that? Why he's not allowing me? He says that border is closed. Because valid visa is expired. No, it's not expired. I can show you the visa. There's security. Ethiopia. COVID. COVID situation. I have a COVID report also. यहाँ पर बॉर्डर के पास थोड़े बहुत टूर कंपनी से बात करने के बाद मुझे एक चीज़ तो पता चल रही थी कि इनको कुछ ऐसा पता है जो वो मेरे को बता नहीं रहे, और मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रहा था कि एक्चुअल रीज़न क्या हो सकता है। वो मुझे स्टैम्प नहीं दे रहे और कह रहे कि मेरे को एडिस अबाबा की तरफ जेल में रख लेंगे मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद। एनी हाउ, ऐसे ही कुछ घंटों तक मैं बॉर्डर पे ही था, और काफ़ी लोगों से बात करने के बाद मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जिनको सुनकर मैं सोच रहा था कि अफ्रीका बाई रोड आसान नहीं होने वाला, जिसके बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा। भाई ऐसा ही बता रहा हूँ, दिमाग ख़राब हो रखा है। मुझे अब तक समझ नहीं आया कि मुझे एग्जिट स्टैम्प दिया क्यों नहीं इन्होंने यार। लोकल जा रहे हैं यार, टूरिस्ट को मना कर रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। और 3 महीने पहले मैंने एक टूरिस्ट को देखा था यहाँ से जाते हुए, वो ब्लॉगर है, मैंने उसका ब्लॉग पढ़ा हुआ था,
वो तीन महीने पहले यहाँ पे यहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर चुका है उसने, और पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी थी उसकी यार। यहाँ से अभी शायद हरकेसा जाके शायद हरकेसा से फ्लाइट लेके अभी आदेश बाबा जाना पड़ेगा। तो कल के बॉर्डर के कांड के बाद अभी उसके बाद में हरकेसा आ गया था। हरकेसा आते आते कुछ मेरे को 6 बज गए थे शाम के। बहुत देर में वहीं पे बैठा था, इंक्वायर कर रहा था कि क्या रीज़न है कि वो लोग मेरे को छोड़ नहीं रहे। तो अभी हरकेसा में हूँ, मतलब टैक्सी लिया हुआ है, तो अभी टैक्सी लेके यहाँ से एयरपोर्ट जा रहा हूँ। एयरपोर्ट से हरकेसा से अड्डी सरबाबा फ्लाई करके जा रहा हूँ। मैं इन डिटेल आपको एयरपोर्ट पहुँच के बताता हूँ। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ अभी हरकेसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है गाइस, ये देखो आप, ये मैं ऊपर बैठा हूँ, नीचे भी ऐसा ही कुछ है, इतना छोटा है। और ये है हमारी, ये देख सकते हो आप लोग, इथियोपियन एयरलाइंस की जो फ़्लाइट है। पूरे एयरपोर्ट में मेरे को बस एक ही फ़्लाइट दिख रही है। ये एयरपोर्ट एक्चुअली बहुत छोटा है, दिन में कुछ 4 से 5 फ़्लाइट निकलती है ये एयरपोर्ट से, और वो भी मैक्सिमम इथियोपिया या फिर दुबई की तरफ। तो कल जब मैं वहाँ पर बॉर्डर गया, जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि मेरे साथ इतने सारे वियर्ड एक्सपीरियंसेस हुए कल इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ जब मैं बात कर रहा था वहाँ पर, तब वो मेरे को पता नहीं, पहली बात तो वो मेरी बात समझ पाया कि नहीं वो भी मेरे को नहीं पता, और वो जो बोल रहा था उसको इंग्लिश ढंग से आती नहीं थी, और मैं उसकी बात समझ पा रहा था कि नहीं पा रहा था, मेरे को समझ नहीं आया। उसके माउथ रिएक्शंस देख के जितने भी कुछ मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा था उसके हिसाब से मैं उसको रिप्लाई कर रहा था, और जैसे ही मैं उसको रिप्लाई करने लगा उसको लगा कि मैं शायद थोड़ा रूड हूँ, और रूड होने की वजह से उसने बस बता दिया कि मैं तुमको एग्जिट स्टैम्प नहीं दूंगा। एंड ही वॉज लाइक कि अगर मैं तुमको एग्जिट स्टैम्प दे भी देता हूँ तो तुम शायद एडिस अबाबा की तरफ जाने के, सॉरी जब तुम इथियोपिया बॉर्डर क्रॉस कर दोगे शायद वहाँ पर जाकर तुमको जेल में रख ले। और मैं आई वॉज लाइक कि जेल में क्यों रखेंगे, मेरे पास वीज़ा है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है, तो क्या क्या चक्कर क्या है। तो बाद में जब मैं वहीं पे बैठा था, मैं मेरा ये जब उसने बोला कि मैं एग्जिट स्टैम्प नहीं दूंगा, तो मैं वहीं पे जो सहार ट्रांसपोर्ट जो कंपनी है वहाँ पर उसी के कैबिन में बैठा था। मैं कैबिन में बैठ के वह ऐसे ही सोच रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या अब, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं यहाँ से फ़्लाई करके जाऊँ। एंड ऑब्वियसली फ़्लाई करके जाना बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा था मेरे लिए, एंड एनी हाउ अब तो जा रहा हूँ बट कुछ कर नहीं सकता। बट वो टाइम पर मेरे को बस ये था कि मैं किसी तरह बॉर्डर क्रॉस करूँ। एंड और मुझे सबसे मेन रीज़न ये था कि मुझे रीज़न पता करना था कि वो मुझे क्यों जाने नहीं दे रहा, क्योंकि लोकल्स को जाने दे रहा था वो। और मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कुछ अराउंड 1-2 महीने पहले उसने एक टूरिस्ट को भी यहाँ से छोड़ा था। आई डोंट नो, वो टाइम पर भी यही इंसान था वहाँ पर जिसने मेरे को रोका, या फिर कोई और था मुझे नहीं पता। बट एक ब्लॉगर है, वो ब्लॉगर भी सोमालीलैंड से इथियोपिया सेम बॉर्डर से वजाले बॉर्डर से उसने बॉर्डर क्रॉस कराया, और उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं बस ये सोच रहा था कि क्या रीज़न हो सकता है कि मेरे को इसने रोका यहाँ पर एंड एग्जिट स्टैम्प नहीं दिया मेरे को। और अनदर रीज़न मेरे को सबसे ज़्यादा खनक रही थी बात, वो ये कि वो इथियोपिया किस तरफ जाके मुझे वो जेल में क्यों रखने वाले हैं, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो क्या चक्कर क्या है। तो इतने सारे क्वेश्चन दिमाग में आने के बाद अराउंड में कुछ वहाँ पे 2-3 घंटा वही सहाल ट्रांसपोर्ट कंपनी के कैबिन में बैठा था, और बस ऐसे ही लोगों से पूछ रहा था कि वहाँ पे जो लोग काम करने वाले हैं कि ऐसा क्या रीज़न है कि वो मेरे को छोड़ नहीं रहे। लकीली मेरे को ऐसी मतलब बैठा जो टाइम पे बैठा था मैं, लकीली मेरे को एक बिजनेसमैन मिले वहाँ पे, जो काफ़ी पॉपुलर बिजनेसमैन थे मेरे हिसाब से, जो सोमालीलैंड और इथियोपिया के बीच में बिजनेस करते हैं। और इन शॉर्ट उनकी काफ़ी पहुँच भी थी, शायद जितना मैंने उनसे बात करा, वो बात करने के बाद मुझे ये पता चला कि उनकी शायद काफ़ी पहुँच भी थी, और वो मेरे को यही बोल रहे थे कि वो मेरे को बॉर्डर क्रॉस करवा सकते हैं, बट शायद इथियोपिया जाके मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है। उसका रीज़न ये है कि अभी फ़िलहाल इथियोपिया में एक सिविल टेंशन चल रही है, और ये जो सोमाली बॉर्डर और इथियोपिया का बॉर्डर है वो हरदम डिस्टर्बेंस के थ्रू ही गया हुआ है, मतलब अभी भी कुछ फ़िलहाल डिस्टर्बेंस चल रही है वहाँ पर। एंड इथियोपिया के साइड एक सोमाली प्रोविंस है जहाँ पर एक्चुअली बोला जाता है कि वो सेफ नहीं है, एंड इसीलिए ये वन ऑफ द रीज़न उन्होंने कहा कि मेरे को उन्होंने एग्जिट स्टैम्प नहीं दिया। और सबसे फनी बात और शायद सबसे वियर्ड बात, जो आई डोंट नो मुझे आपको ये कैमरा में बोलना चाहिए कि नहीं, बट उन्होंने मेरे को ये भी बताया कि मैं ये बॉर्डर क्रॉस कर सकता हूँ इलीगल वे में। हाँ, इलीगल वे से मैं बॉर्डर क्रॉस कर सकता हूँ, और वो बोल रहे थे कि ये अफ्रीका में बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, लोकल्स बॉर्डर क्रॉस करते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, बिना किसी वीज़ा के, एंड शायद बहुत सारे फॉरेनर्स ने भी ऐसा करा हुआ है पहले। तो मुझे बोल रहे थे कि मैं इलीगल वे में क्रॉस कर सकता हूँ, बट अगर बाई चांस इथियोपिया के साइड में अगर मेरे को पकड़ लिए तो डेफिनेटली मैं जेल जाने वाला हूँ।
एंड यही रीज़न के कारण मैंने वो रिस्क नहीं लिया. मैं उसको रिस्क नहीं बोलूँगा, उसको बेवकूफ़ी बोलूँगा मैं. एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न मैं अभी यहाँ से फ्लाई कर रहा हूँ. एंड सबसे फनी बात यह है कि वो बोल रहे थे कि तुम आराम से जाओ. मतलब वो ऐसे मतलब कुछ सस्पिशियस वे में नहीं बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ. बस यही चीज़ है कि वो इलीगल है, तुम्हारे पासपोर्ट में शायद स्टैम्प नहीं लगेगा. एंड स्टैम्प नहीं लगने के बावजूद तुम इथियोपिया के अंदर घुस सकते हो. एंड बहुत कॉमन है रूट वो. एंड बहुत सारे लोकल्स भी वही यूज़ करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं. एंड मुझे समझ नहीं आया तो मैं यार वहाँ से आ गया मैं वापस हल्के सा. अभी मैं फ़िलहाल यहाँ से फ़्लाइट ले रहा हूँ. तो ये है यहाँ का एयरपोर्ट भाई साहब, देख लो आप भाई. यहाँ पे मोहम्मद याबी भाई मिले हैं पाकिस्तान से. तो भाई पाकिस्तान से कहाँ से हो यार? फरीदाबाद. ये किस तरफ पड़ता है? ये श्यामपुर माता बाजार. आपने सुना? सही सही सही. मैं करतारपुर गया था. करतारपुर से बिल्कुल करीब है ये. जी मैं गया हुआ था करतारपुर. For sake of traffic, this is the top all I try to bear it for the Maui. I would like to pay your attention. तो ये है गाइस एडिस अबाबा एयरपोर्ट. अभी कुछ अराउंड 7:30 हो रहे हैं और मेरा होस्ट अभी कॉल किया मेरे को, बताता कि वो आ चुका है, कुछ टैक्सी लोकेशन पर है. देखता हूँ, ढूंढ रहा हूँ वही कहाँ पर है वो. तो गाइस फाइनली ये है मेरे होस्ट. सो आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू, ही इज़ सोलोमन. ही इज़ होस्टिंग मी इन एडिस अबाबा. एंड यहाँ से अभी लाइक हाउ मच इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू योर प्लेस? Maybe about 8 kilometers. 8 kilometers. 8 kilometers. Yeah, which is not very far. Yeah. तो यहाँ से अभी हम लोग इनके घर जाएंगे. देखते हैं उसके बाद क्या plan है. 20 minutes together. Yeah. And like, do you have anything like Uber here? Yes. True. So with the app that I'm using right now. Yeah. It's called Faras. 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 Okay. Yeah. So what it means is it means a horse. Horse? Yes. Oh, okay. It's like a ride. Yeah, with yeah. A horse riding. I get a horse. It. I get it. Yeah. Yeah. So it's an Ethiopian app. Okay. You can download it on your phone. Yeah, yeah, yeah. Yeah, it's so like this Uber. Is the like yeah Uber for Ethiopia. Yes, local. all right. तो यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं सोलोमन भाई के घर पे. उसके बाद देखते हैं क्या प्लान्स हैं. No, it's okay. Like, I am a backpacker, man. I travel like to distances carrying these bags. It has become your second nature now. Yeah. Welcome. Wow. So, guys, finally, मैं अभी आ चुका हूँ मेरे होस्ट के घर पर, and I am with my host. Hi. I cannot show you. ओके तो अभी फ़िलहाल मैं होस्ट के घर पे हूँ और यहाँ पर हम लोग चाय बना रहे हैं. दिस इज़ द प्लेस वेयर वी आर मेकिंग टी. हमारे पास उतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है. आई थिंक वी आर यूजिंग दिस एडिस टी एंड ऑल्सो ये जो लॉन्ग है, लॉन्ग यूज़ कर रहे हैं. वी से दिस इन हिंदी लॉन्ग. लॉन्ग. या यू आई थिंक दिस इज़ व्हाट यू से. वी कॉल इट करंट फूड. Current food. Exactly. Yes. Yeah. So this is. I think we would also. We might also use this. I think this is the same, right? Yes, it's the same thing. Yeah. तो यहाँ पर पहला दिन है हमारा couchsurfing host में. Around कुछ 6-7 महीने के बाद मैं couchsurfing कर रहा हूँ. बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे local लोगों से मिलके. So I'm just telling in my videos that after maybe 6-7 months I am using couchsurfing and I was really missing this local experience of yeah. You know talking with people and all that yeah. stuff. तो तो ये है गाइस हमारी चाय.
मैंने कोशिश करी कि मैं इंडियन फ्लेवर इसमें दे सकूं, बट इनकी शायद चाय पत्ती जो है वो डिफरेंट है, तो आई एम नॉट श्योर कि ये इंडियन फ्लेवर आया होगा कि नहीं इसमें। बट मेरे को वैसे ज़्यादा कुछ कुकिंग में आता है नहीं, बट मैं मेक श्योर करता हूँ कि जितना भी कुछ मेरे को आता है आई जस्ट गिव बैक टू माई होस्ट, एंड जितना भी कल्चर मैं मेरे इंडिया से दे सकता हूँ इनको सब कुछ देता हूँ मैं, भले ज़्यादा कुछ आता ना हो मेरे को कुकिंग में।